मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेल इंडिया 2021 के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन करने का दिया निर्देश। समिति की अध्यक्षता करेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी बेहद खराब। दिल्ली का एक एयर लेवल पहुंचा 315, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। हरियाणा में परिवहन विभाग खरीदेगा 500 नई बसें। कर्मचारियों को 3 साल का मिलेगा बोनस। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। हिसार में भैंस खरीदने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला ने थाने में शिकायत कराई दर्ज। भैंस व्यापारी पर 2 लाख की धोखाधड़ी का भी लगाया आरोप। और हिसार में पंखे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खबर है 10 की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति की अध्यक्षता खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। बता दें कि यह समिति 5 से 14 फरवरी 2022 के बीच पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य में होने वाले खेलों के लिए आवास, खानपान, खेल उपकरणों जैसे तमाम की खरीद के संबंध में 25 खेल के व्यवस्थाओं की निगरानी भी करेगी। बढ़ते आगे, जो है एचपीएससी नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए के नाम का रिश्वत लेने के मामले में स्टेट विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विजिलेंस टीम ने मामले में मुख्य आरोपी एचसीएस अनिल नागर को एचपीएससी मुख्यालय लेकर पहुंची। वहीं विजिलेंस टीम ने अनिल नागर के पर्स से 24 एचसीएस की लिस्ट को भी बरामद किया जिनका एचसीएस प्री क्लियर कराने की तैयारी थी। वहीं आरोपी अश्विनी और अनिल नागर के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट में कई और खुलासे होने की बात भी सामने आई है। और अगली खबर रोहतक से, जहां एचएसएससी परीक्षा में रिश्वत मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना सरकार के संरक्षण के ये मामला नहीं हो सकता। आखिर सरकार किसे बचाना चाहती है? हुड्डा ने मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग भी की और चेयरमैन के तत्काल इस्तीफे की मांग भी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। वहीं इस दौरान हुड्डा ने यह भी बताया कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को 11 दिसंबर को मेवात में किया जाएगा। ये प्रजातंत्र में जो आप अब मैं आपके कहने का मतलब समझ गया, आप ये कह रहे हैं ये चुनाव आने इस वास्ते फैसला लिया है क्या वापस लेने का? ठीक है, प्रजातंत्र में जो है चुनाव एक मुद्दा होता है। कहा कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, चुनाव के चुनाव के नतीजे पे आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इसके मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये से कांग्रेस के लिए एक वार्निंग है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हाई पावर परचेस की मीटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है हरियाणा निवास में। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी, हाई पावर परचेस की ये मीटिंग होनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हाई पावर परचेस की मीटिंग होगी और ये मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में की जाएगी। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी हरियाणा निवास में, ये मीटिंग की जाएगी, यहां मुख्यमंत्री मौजूद नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हाई पावर परचेस की बैठक होगी। बता दें कि ये मीटिंग सुबह 11 बजे होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी हरियाणा निवास में। सुबह 11 बजे इस मीटिंग को करने का फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेस
मीटिंग होनी है। बता दें कि 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी तमाम लोग मौजूद नजर आ सकते हैं। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में हाई पावर परचेज की मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे ये मीटिंग की जाएगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हाई पावर परचेज की मीटिंग होनी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकेश शर्मा हमारे से जुड़ गए हैं। विकेश, हाई पावर परचेज की मीटिंग होनी है, सुबह 11 बजे ये बैठक की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ और तमाम लोग भी मौजूद नजर आएंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस दौरान, क्या कुछ नए फैसले सामने आएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, बस थोड़ी देर में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा निवास पहुंचेंगे। उसके बाद हाई परचेज की मीटिंग की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल विकेश, इसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद नजर आएंगे। आखिर किस मुद्दे को आधार बनाया जाएगा, क्या कुछ इसमें नए फैसले निकल करके सामने आएंगे जो जनता के हित में होंगे, अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? तो लगता है विकेश से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। लेकिन चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाई पावर परचेज की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कुछ बैठक होगी, इसमें देखना ये होगा कि क्या कुछ नए फैसले सामने आएंगे। बढ़ते आगे, जहां चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान यूनियनों की मांग पर बैठक में चर्चा की गई। वहीं बैठक में 13 रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक को रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति के सदस्यों ने बॉयकॉट किया। बता दें कि परिवहन मंत्री के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति ने मूलचंद शर्मा पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही। तो वहीं दूसरी तरफ महासंघ ऑल हरियाणा वर्कर यूनियन ऑल हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने परिवहन मंत्री की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। ऑल हरियाणा वर्कर यूनियन के अध्यक्ष विनोद शर्मा के मुताबिक 5 संगठनों का एक संगठन बनाकर संयुक्त मांग पत्र देने की बात कही। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना कि रोडवेज के अंदर जाति के आधार पर यूनियन नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सुनवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ा संगठन है सभी विभागों का, हम उसके बैनर तले हम इस बारे में आंदोलन की घोषणा करेंगे और माननीय डीजी महोदय की इस जाति विरोधी मानसिकता के विरुद्ध हम थाने में एसपी महोदय को एफआईआर कराएंगे, इसके विरुद्ध अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करेंगे और इसके विरुद्ध जो थाने में एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जातिवाद किया जा रहा है। कभी भी जातिगत आधार पर यूनियन नहीं होनी चाहिए और ये जाति का राजनीति तो सिलेक्शन कमेटी कोई सिलेक्शन हो उसमें होती है, यूनियन के सबके अंदर जहाँ कर्मचारी एक होता है और कर्मचारी कर्मचारी है, वो कर्मचारी रोडवेज का कर्मचारी है, अपनी बात रखेगा और अपनी बात कहेगा, उसको जो रखेंगे उसको हम काम करेंगे और उनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा करने का काम करेंगे। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है, इस वक्त की बड़ी खबर, जिनसे हादसे में जीजा और साले की मौके पर ही मौत हो गई, इस दौरान दो लोग घायल भी हुए हैं। तो जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, हादसे में जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल होने की बात भी सामने आ रही है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे में जीजा साले की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, डॉक्टर्स की निगरानी में उनकी मौजूदगी में उनकी देखरेख में इन घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर जिन सामने आया है, जिसमें अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है। बता दें कि इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में जीजा साले की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जींस से जहां अनियंत्रित कार
पेड़ से टकराई है, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं जबकि जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। तो जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हादसे में जीजा साले की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। वहीं इस दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। तो जींद इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जींद से, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार की वजह से दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं इस दौरान दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बढ़ते आगे, जहां सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने नूह के गांधी ग्राम घोसेड़ा से जन जागरण अभियान की शुरुआत की। बता दें कि इस दौरान देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस और घर चलाने की जरूरी वस्तुओं को आसमान छूती कीमतों और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई गई। वहीं आफताब अहमद ने कहा कि पड़ोस के सभी प्रदेशों ने वैट में कटौती की लेकिन हरियाणा ने नहीं की। पहले हरियाणा में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था, आज सबसे महंगा मिलता है। बीजेपी जेजेपी की सरकार से जनता अब त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की तरफ से यहां जन जागरण पदयात्रा निकाली जाएगी। जन जागरण यात्रा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होने वाली है। लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की कर रही है। वहीं जागरण अभियान के तहत ये निकाली जाएगी पदयात्रा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस ने पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है। बता दें कि जागरण अभियान के तहत ये पदयात्रा निकाली जाएगी, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ये पदयात्रा देखने को मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश विपक्ष बनाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अंबाला में जन जागरण अभियान के तहत ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सरकार के खिलाफ एक बार फिर से रणनीति बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जन जागरण पदयात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। जागरण अभियान के तहत ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ये पदयात्रा देखने को मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बार कांग्रेस फिर से गंभीर नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके चलते जागरण अभियान के तहत ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बढ़ते आगे, बात अब सोनीपत की करेंगे, जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई जागृति यात्रा साइकिल रैली सोमवार को सोनीपत पहुंची। इस दौरान पुलिस लाइन में यात्रा में शामिल 16 महिला पुलिस कर्मचारियों का जोरदार स्वागत भी किया गया। मौके पर साइकिल रैली का नेतृत्व कर रही एसीपी पंचकुला ममता सोदा ने बताया कि इस साइकिल रैली का मकसद महिलाओं को जागरूक करना है। देखिए, ये साइकिल यात्रा जागृति यात्रा के नाम से इसे नाम दिया गया है और ये 15 नवंबर को हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू हुआ था और माननीय श्री डीजीपी साहब पीके अग्रवाल जी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था और एडीजीपी मैडम श्रीमती कला रामनचंद्रन और आईजीपी मैडम भारती अरोड़ा जी के अथक प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है।
तो साइकिल रैली सोनीपत पहुंची है, जहां महिलाओं का स्वागत किया गया है। बता दें कि इस दौरान एसीपी ममता सोदा ने बताया कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए यह साइकिल रैली निकाली गई है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में बैठक होनी है। ये बैठक कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हरियाणा सचिवालय में की जाएगी। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी तमाम मंत्री यहां मौजूद नजर आ सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें आगे की रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। विपक्ष लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर है। शायद इस बैठक में बढ़ती महंगाई को लेकर भी लगाम लगाने की कोशिश के लिए चर्चा की जा सकती है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष से कैसे पार पाए, उसकी भी रणनीति यहां सरकार बना सकती है। हालांकि देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ नए फैसले सामने आते हैं, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन 25 नवंबर को ये जो बैठक होनी है, वो कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी कैबिनेट के तमाम मंत्री यहां मौजूद नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है, चूंकि विपक्ष भी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्या मुद्दे इस 25 नवंबर की बैठक में शामिल किए जाएंगे, क्या कुछ नए फैसले सामने आएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 25 नवंबर दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय 4th फ्लोर पर यह बैठक निश्चित होगी। इसमें अहम मुद्दे पर निर्णय लिए जाएंगे और साथ ही उसके बाद राज्य खेल मंत्री सरदार सुमित सिंह प्रेस वार्ता करेंगे। बिल्कुल विकेश, चूंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, इस दौरान विपक्ष की तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या विपक्ष की रणनीति को नाकाम करने के लिए भी कोई चर्चा इस बैठक में की जा सकती है? जी बिल्कुल, बैठक में यह निर्णय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विशेष सत्र, हरियाणा विशेष सत्र बुलाने पर इस पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, हालांकि विकेश, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन से कैबिनेट मंत्री यहां बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह, मूलचंद शर्मा आदि भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल विकेश, मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है 25 नवंबर को। अब देखना ये होगा कि किन मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा और क्या कुछ नए फैसले इस दौरान बैठक के बाद निकल करके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जोहा जुलाना के पुराना थाना भवन की बोली का कार्यक्रम विभाग द्वारा तय किया गया, जिसमें अलग अलग ठेकेदारों ने अपनी नियमित बोली लगाई। वहीं भवन की बोली की शुरुआत सरकार द्वारा 7,83,000 रखी गई, तो वहीं मौजूद ठेकेदारों द्वारा 79,003 की बोली लगाकर भवन को अपने नाम कराया गया, जो कि निर्धारित रेट से 10,000 ज्यादा पर बिका। मौके पर बोली करवाने पहुंचे डीएसपी धर्मवीर खरब ने कहा कि आज पुराना थाना भवन की बोली का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें बोली दाताओं द्वारा अपनी धरोहर राशि जमा कराकर बोली लगाई गई। 7 नंबर नाम आ जाओ यहाँ अभी मान आप।
और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर कई सालों से आंसू बहा रहा है, लेकिन बीते दिनों हुई लगातार बारिश के कारण सड़कों का हाल बुरा है। उद्यमियों के साथ साथ यहां से गुजरने वाला हर एक शख्स बेहद परेशान नजर आ रहा है। नगर निगम में कई बार इस बनवाने का मुद्दा भी उठाया जा चुका है, लेकिन कई साल से हालात जस के तस बने हुए हैं। और हाल ये है, जब पिछले दिनों अपने फरीदाबाद के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सड़कों का औचक निरीक्षण कर इसे सुधारने के आदेश दे दिए थे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इन सड़कों में सुधार नहीं हुआ है। इस इलाके में उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को अभी भी तरस रहे हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों और सरकार की उपेक्षा के चलते यहां उद्योगपति बदहाल हैं। अरे पानी भर जाता है, माल लेके आने में बहुत दिक्कत होता है। ये गड्ढा गुड्ढी बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी तनी मिट्टी डाले हैं। हाँ, तो मिट्टी डालने से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, अरे तो बरसात में तो एकदम माल ले आने में बहुत दिक्कत होता है। आप क्विंटलों के भाव में? हाँ, ले आते हैं। हाँ, तो कितनी दिक्कत है आपको रिक्शा चलाने में? बरसात में तो कम माल लेके आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं तो मोटरसाइकिल वाले लेके आते हैं मालिक लोग। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा किसान मंच की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम के पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि तय कार्यक्रमों के अनुसार ही 29 नवंबर से किसान दिल्ली में संसद कूच करेंगे। वहीं पंजाब से चलकर सिरसा पक्का मोर्चा स्थल से होते हुए किसान भारी संख्या में 25 नवंबर को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। एक सवाल के जवाब में भारूखेड़ा ने कहा कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून सहित उनकी अन्य मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली बॉर्डरों की तरह सिरसा पक्का मोर्चा और अन्य धरने इसी तरह जारी रहेंगे। अभी जो सिर्फ प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि तीन जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे, इसमें हमारी कल एक बैठक हुई थी संयुक्त मोर्चे की, उसके अंदर आगे के कार्यक्रम जो पहले हमारे रखे हुए थे वो कार्यक्रम वैसे के वैसे जारी रहेंगे, जिसमें 26 नवंबर को एक साल पूरा होने पे मोर्चों के ऊपर जो है वो गैदरिंग को बढ़ाना और जगह जगह से जत्थे चल के दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के शाहजहांपुर बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर सभी बॉर्डरों के ऊपर लाखों की संख्या के अंदर लोग पहुंचेंगे 26 नवंबर को। और 29 नवंबर को संसद मार्च का हमारा प्रोग्राम बना था कि 500 किसान जो है हर रोज संसद का मार्च करेंगे, वो 500 किसान हर रोज 29 तारीख से संसद मार्च करेंगे। उसको लेके यहाँ सिरसा से एक बड़ा जत्था जो है 25 तारीख को सुबह 8 बजे भगत सिंह स्टेडियम से चलेगा और यहाँ से चल के ये जत्था टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगा। बढ़ते आगे, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को कामयाब करने के लिए कई अलग अलग तरह की योजनाएं बनाकर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कस्बा की सब्जी मंडी और अनाज मंडी में पसरी गंदगी से उड़ती दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कई कई दिनों तक कूड़े को नहीं उठाते हैं, जिसमें कूड़ा सड़ जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के जहरीले मच्छर मक्खी भी जन्म ले लेते हैं। वहीं वहां से दुर्गंध आने लगती है, जिससे नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका भारी असर पड़ रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, मार्केट कमेटी एरिया में बनी टॉयलेट पूरी तरह से सड़ी हुई है, जहां पर कभी कोई सफाई कर्मचारी उनकी सफाई के लिए नहीं पहुंचता। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस बात का सोहना पर जो असर पड़ रहा है, गंदगी जो बढ़ती जा रही है, उसको काबू करने के लिए स्थानीय उच्च अधिकारी किस तरह के कदम उठाते हैं। और अगली खबर तो शाम से, जहां सर्दियों की शुरुआत होते ही गर्म बिस्तर की मांग में बुजुर्ग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने भी सर्दी के मौसम में अचानक आई गर्म वस्त्रों की मांग को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। पूरे तोशाम क्षेत्र में रजाई और गद्दों की मांग
में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जहां कुछ लोग पहले रखी रजाई और गद्दों को दोबारा से पिनाई के लिए दुकानों पर लेकर पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ लोग पूरी तरह से नई रजाई और गद्दे खरीद रहे हैं। इस संबंध में लोगों का कहना है कि सर्दी से बचाव के लिए रजाई बहुत जरूरी है, वो रजाई और गद्दे की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कंबल को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ज्यादातर लोग रजाई खरीदने में विश्वास रख रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि ज्यादा सर्दी के दौरान कंबल की तुलना में रजाई अच्छा और परंपरागत विकल्प है। और फरीदाबाद डाक विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किस तरह लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका एक उदाहरण फरीदाबाद के NH4 डाक खाने में देखने को मिला। लोगों की शिकायतों पर जब हमारे संवाददाता बीडी कौशिक वहां पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुनिए लोगों और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। फरीदाबाद में दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया। ये प्रैक्टिस पुलिस लाइन में आयोजित की गई थी। बता दें कि यहां विभाग से जुड़े कई आला अधिकारी भी मौजूद नजर आए। दंगा नियंत्रण का पूर्वाभ्यास की ये तस्वीरें फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली के 194 बटालियन कैंप से आई RAF की टीम है। दोनों टीमों ने लगभग 4 घंटे तक मिलकर अभ्यास किया। इस दौरान ये सभी जवान दंगा नियंत्रण से जुड़े सभी उपकरणों से लैस नजर आए। जो रैपिड एक्शन फोर्स है और जो ये कंपनी है 194 बटालियन, ये कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ पीस। तो ये एक इनका मोटिव ये था कि ये आएंगे और एरिया फेमिलराइजेशन, ज्योग्राफिकली इन्हें एरिया पता हो, कहीं पे अगर सेंसिटिव एरिया तो वहाँ जाके जो ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत की, लोगों को समझाया, बातचीत की, तो इससे इनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुआ और ग्राउंड पे भी इनको ऐसे ही लग रहा है कि ये हमारा नोन एरिया है। यहाँ पे कौन कौन से इन्होंने जगह देखी है और जो दिल्ली से जो आई हुई जो टीम है जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ डेमो किया है उसका क्या मतलब मकसद है? मकसद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जब कभी आ जाता है, जैसे कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फोर्स मंगवानी पड़ती है बाहर से। तो जो बाहर से फोर्स आती है वो उस डिस्ट्रिक्ट से उसको नॉलेज नहीं होती इतना, तो अब ये पीस टाइम में हमने लोगों से मिलवर्तन कर दिया। उससे फायदा क्या है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको मिनिमल यूज ऑफ फोर्स, कई बार फोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर्सुएशन से ही काम हो जाएगा। और इसी के साथ खबर 10 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।